हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी ड्राइव को, जैसे आपके पास एक अनअलोकेटेड ड्राइव है, उसके आपके पास एक फ्री स्पेस ड्राइव है, उसको आपको किसी ड्राइव में मर्ज करना है, ऐड करना है, वो कैसे करना है हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोस में लेके आता रहता हूँ, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो, डेस्कटॉप से या फिर लैपटॉप से, या फिर कोई आपको सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर आपको हर टाइप का वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको सी डी और एक ये फ्री स्पेस ड्राइव दिख रहा है। यहाँ पर आपको, जैसे मेरे को अभी डी ड्राइव के अंदर इसको फ्री स्पेस को ऐड करना है, सेम एच डी आप सी ड्राइव में भी कर सकते हो। जैसे कि मेरे को इसको डी ड्राइव में अभी ऐड करके दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर लेना है, जो ये ड्राइव है जो आपको ये फ्री स्पेस वाला इसके अंदर ऐड करना है, तो ये ड्राइव, इस ड्राइव के अंदर आपको ऐड करना है स्पेस और। ठीक है, तो इस ड्राइव पर आपको राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सटेंड वॉल्यूम करके एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, अभी ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये ग्रे आउट है, इसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जब तक ये इनेबल नहीं होगा, तो आप तब तक आप ये जो फ्री स्पेस है इसके अंदर ऐड नहीं कर पाओगे। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे अभी, और हम लोग चलेंगे यहाँ पर। अपना ब्राउजर ओपन कर लेना आपको, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना आपको, और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है सेम एज इट इज, आपको यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, ये लिंक मैंने आपको दिया है, यहाँ पर ये लिंक आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इसको टाइप करके एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये जो साइट है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। ओके, जो ये डाउनलोड का बटन दिख रहा है यहाँ पर, कि फ्री में है, आपको इसको पे करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्री में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, यहाँ पर ये डाउनलोड फ्रीवेयर का ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पर भी आपको डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इधर ये हम लोग इसको मिनिमाइज कर देंगे और डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाएंगे। जो ये डाउनलोड फोल्डर है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपके सामने ये ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा और इसको इंस्टॉल कर लेना आपको। जो सॉफ्टवेयर है आपको इंस्टॉल कर लोगे, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, एक आइकन बन जाएगा आपके डेस्कटॉप के ऊपर, और आपका ये इंस्टॉल होने के बाद आप इंस्टॉल कर लेना उसको, और उस पर डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक कर देना है उसके ऊपर, आइकन के ऊपर। और देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी आपके पार्टीशन हैं इसके अंदर दिखने लग जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ये डी ड्राइव है इसके अंदर जो ये फ्री स्पेस है, देखो ये कोई ड्राइव नहीं है, ये फ्री स्पेस है। ठीक है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, जिस ड्राइव के अंदर आपको ये स्पेस ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और ये मर्ज पार्टीशन करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको इसके अंदर। ठीक है, मर्ज पार्टीशन, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो अनअलोकेटेड स्पेस है, यहाँ पर जो ये 90 GB दिखा रहा है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, और ओके बटन पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर इसने, ये देखिए यहाँ पर इसका साइज इसने बढ़ा दिया है, और जो हम लोगों को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अनअलोकेटेड स्पेस दिख रहा था, यहाँ पर वो ऐड हो गया। अभी आपको क्या करना है, जो ये अप्लाई बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके एक बटन दिखेगा, प्रोसीड करके यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो आपका पार्टीशन है, वो जो स्पेस था, वो इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो आपने ड्राइव सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देखोगे यहाँ पर आपने बोल दिया कि आपका जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है। सो फ्रेंड्स, आप देखोगे यहाँ पर आपको इसने बोल दिया कि आपका यार जो ऐड किया आपने पार्टीशन, वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ओके कर दीजिए और इसको बंद कर देना है आपको। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा पार्टीशन है वो क्रिएट हुआ, मतलब ऐड हुआ उसके अंदर या नहीं, जो स्पेस था। हम वापस से विंडोज के मैनेज में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे आप जो डिस्क मैनेजमेंट है, यहाँ पर क्लिक करोगे
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो हमारा स्पेस था यहाँ पर 19 GB का 19 GB का जो दिखा रहा था यहाँ पर वो ऐड हो गया है, यहाँ पर अभी 68 GB वो इसके अंदर मर्ज हो गया है, ऐड हो गया है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे मर्ज कर सकते हो कोई भी फ्री स्पेस के अंदर, ठीक है, इसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हो इसमें से स्पेस। अगर आपके पास कोई फ्री स्पेस हो गया ड्राइव में से नहीं लगे, यहाँ पर आपको स्पेस होगा तो आप यहाँ पर भी शेयर ड्राइव में भी सेम एज इट इज ऐड कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे कि कोई भी फ्री स्पेस आपको कैसे ऐड करना है किसी भी ड्राइव के अंदर। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और शेयर। थैंक यू सो मच।